सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लो अल्केन का पार्ट टू, जो है हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। लास्ट की वीडियो में जो है कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के थ्रू जो है हमने साइक्लो अल्केन प्रिपेयर किया था। बेसिकली उसमें जो है हमने साइक्लो हेक्सेन जो है प्रिपेयर किया था। पार्ट वन अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर के जो है आप प्लेलिस्ट में चेक करके देख सकते हो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं और जो है यहाँ पे क्या क्या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है हमारे साइक्लो अल्केन से रिलेटेड, उसके बारे में बात करेंगे। तो अब जो है हम यहाँ पे आज अपना नेक्स्ट यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करने वाले हैं, वो हमारा है फ्रॉम, जो हमारा ये हमारा नेक्स्ट होने वाला है। ठीक है, क्या नंबर होगा आप देख लेना। ये हमारा होगा फ्रॉम सॉल्ट्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से जो है हम किस तरीके से साइक्लो अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप कैल्शियम सॉल्ट या फिर जो है आप बेरियम सॉल्ट, ठीक है, या फिर जो है थोरियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है आप हीट करते हो, जैसे ही हीट करोगे तो उस केस में आपका जो है एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा अभी आपको समझ आएगा। देन उसके बाद में जो है हम उसका क्लेमेंसन रिएक्शन करेंगे। जब हम क्लेमेंसन रिएक्शन करेंगे तो उसके बाद जो है हमारा साइक्लो अल्केन जो है यहां पे साइक्लो अल्केन का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां पे क्लेमेंसन रिएक्शन क्या होता है पहले बता दूं, ये बेसिकली जो है आपका एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को जो है रिडक्शन करने में यूज होता है। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसके जो रिएजेंट होते हैं वो हमारे होते हैं जिंक HG इन द प्रेजेंस ऑफ HCl लिया जाता है। देन यहां पे जो है जैसे कोई कीटोन ग्रुप इस तरीके से प्रेजेंट होगा तो उसे ये सिंपली डबल बॉन्ड O हटा करके जो है वहां पे दो हाइड्रोजन ये ला देता है। ओके, इस तरीके से जो है आपका ये ग्रुप, ये जो आपका रिएजेंट है वर्क करता है। तो सबसे पहला जो हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं वो हमारा है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया CH2, देन यहां पे फिर से हमने कार्बन करंट कर लिया CH2, देन उसके बाद में हमने ले लिया CH2, देन हमारा हो गया CH2, उसके बाद में जो है हमने कर दिया C डबल बॉन्ड O, देन C डबल बॉन्ड O एंड यहां पे आपका ऑक्सीजन के साथ में जो है कैल्शियम। ये हमारा जो है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हमारा जो है सॉल्ट के फॉर्म में हमारा हो गया। इसे कहा जाता है कैल्शियम एडिपेट कहा जाता है। ओके, सिंपली क्या करना है, इसे हमें हीट कर लेना है। जैसे ही हीट करोगे माइनस यहां पे CaCO3 जो है लिबरेट हो जाएगा। अब देखो यहां पे क्या है, जैसे ही CaCO3 यहां पे हट जाता है, मतलब देखो एक कैल्शियम और तीन यहां पे ऑक्सीजन और एक कार्बन, ये पूरा ग्रुप यहां पे हट जाएगा और ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही कनेक्ट होते यहां पे क्या हो जाएगा H2C, देन यहां पे CH2, देन यहां पे फिर से CH2 आ गया, देन हमारा फिर से यहां पे CH2 आ गया एंड यहां पे C डबल बॉन्ड O आ गया। हमारा जो है यहां पे 5 मेंबर रिंग लगभग यहां पे कंप्लीट है। अब इसे जो हम क्लेमेंसन रिडक्शन करेंगे, ZnHg प्लस HCl दे दोगे, जैसे इतना चीज दोगे ये डबल बॉन्ड हट के यहां पे दो हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यहां पे मैं डायरेक्टली यहां पे इस तरीके से बना दे रहा हूं, यहां पे दो हाइड्रोजन हमारे आ गए। तो ये जो है हमारा फॉर्म हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो इस चीज को आप यहां पे ध्यान देना, ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना क्या है कि ये जो मेथड है, ठीक है, ये जो मेथड है ये 5 और 6 मेंबर रिंग मेंबर के लिए जो है ये बेसिकली होता है। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन और मतलब जो है जैसे आपको साइक्लोप्रोपेन हो गया, ये आप इस मेथड से जो है या फिर इसका कोई डेरिवेटिव हो गया आप इस मेथड के थ्रू जो है प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। तो दो पॉइंट याद रखना, 5 और 6 मेंबर रिंग के लिए जो है ये सुइटेबल है, सुइटेबल है। दूसरा जो है 3 मेंबर रिंग, 3 मेंबर रिंग के लिए जो है नॉट सुइटेबल। ठीक है, ये दो पॉइंट आप यहां पे याद रखना कि किस लिए यहां पे बेसिकली ये यूज होता है। ओके, ठीक है, बाकी जो है बेरियम और यहां पे जो है अनदर मेथड है वो भी आप यूज कर सकते हो। तो अब जो है हम अपना नेक्स्ट यहां पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन बात करने वाले हैं, अब वो कौन सा है। तो यहां पे अभी जस्ट हम बात करेंगे फ्रॉम, यहां पे हो गया हमारा अल्कीन्स। देखो
फ्रॉम अल्कीन से बात करने वाले हैं, फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन से बेसिकली रिलेटेड दो रिएक्शंस होते हैं। पहला हम बात करने वाले हैं यहां पे फ्रॉम डाइजोमीथेन। डाइजोमीथेन ये क्या होता है बेसिकली, ये होता है हमारा CH2N2 को बोला जाता है डाइजोमीथेन। ये जो CH2N2 होता है ये हमारा डाइजोमीथेन होता है। अब आप एक चीज याद रखना, जब मैंने कार्बिन का जो है प्रिपरेशन आपको बताया था किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे आप CH2N2 को HNU दे दोगे, यहाँ पे हम दे देते हैं इसे HNU, जैसे HNU दे दोगे तो यहाँ पे CH2 जो है कार्बिन का जो है फॉर्मेशन हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये रिएक्शन इसी तरीके से वर्क करने वाला है कि जैसे ही जो है हम यहाँ पे जो हमारा डाइजोमीथेन है उसे HNU देंगे तो हमारा कार्बिन का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा अल्कीन दिया हुआ है, हमने इसे ले लिया CH2N2 के साथ में, अब यहाँ पे हमने HNU दे दिया, रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा। सबसे पहले जो है ये हमारा कार्बिन फॉर्म करेगा, CH2 कार्बिन। अब ये क्या होगा, यहाँ पे आप सबसे पहले देखो यहाँ पे इस कार्बिन में क्या होगा कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये बेसिकली यहाँ पे जो है इनके साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है चले जाएंगे, और जैसे ही चले जाएंगे सिंपली यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और इन दोनों के बीच में जो है ये कार्बन चला जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है आपस में एक एक बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन करके जो है आपका यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन रिंग का जो है फॉर्मेशन कर देगा। तो ये रिएक्शन बेसिकली जो है साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाने के लिए जो है यूज होता है। तो ये हमारा प्रिपरेशन था यहाँ पे साइक्लो अल्कीन का फ्रॉम डाइजोमीथेन। दूसरा इसमें अगर आप बात करोगे तो होता है आपका साइमन्स स्मिथ रिएक्शन। साइमन्स स्मिथ रिएक्शन हो गया। देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली इस रिएक्शन में क्या होता है, नोट यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि जो रिएजेंट हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं CH2I2 और इसके साथ हम यूज करते हैं जिंक कॉपर कपल, इसमें बेसिकली हम यूज करते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ हम ईथर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ईथर। देखो जब ये दोनों को हम ईथर के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बेसिकली फॉर्म होता है यहाँ पे IC2ZnI, इस कंपाउंड का जो है फॉर्मेशन होता है। अब ये रिएक्शन भी बहुत ईजी है, वो कैसे, जैसे ही आप इसे एक अल्कीन दे दोगे, जैसे आप इसे एक अल्कीन दे दोगे और यहाँ पे जो है आपका जो ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, इन दोनों रिएजेंट को आपने साथ में लिया है और इन दोनों के साथ में आपका ये फॉर्म हुआ है, तो रिएक्शन में होगा क्या कि ये जो CH2 है देन आपका ये आयोडीन है और ये आपका ZnI है, ओके। इसमें होता क्या है कि इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका इसके तरफ में जाएगा। अब जैसे यहां पे जाएगा ये बॉन्ड जो है आपका इस CH2 पे अटैक करने के बाद में ये CH2 जो है यहाँ पे आयोडीन जो है लिबरेट कर जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे लिबरेट हुआ आपका जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, सिंपली यहाँ पे 3-मेंबर रिंग फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन देन आपका यहाँ पे H2। तो इस तरीके से जो है आपका दोनों ही केसेस में जो है साइक्लोप्रोपेन रिंग का जो है फॉर्मेशन हो जाता है एंड साथ में जो है ZnI2 जो है यहाँ पे लिबरेट हो जाता है। तो ये दो रिएक्शंस जो है आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। अब यहाँ पे बेसिकली हम एक दो एग्जांपल लेंगे, उसके थ्रू जो है आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे दो एग्जांपल लूंगा और दोनों ही केसेस में जो है हम प्रोडक्ट सेम ही बनाएंगे। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे साइक्लो अल्कीन ले लिया, ठीक है। अब हम क्या बोले यहाँ पे कि CH2N2 दे दिए, या फिर जो है यहाँ पे हमने ले लिया, ये फर्स्ट स्टेप है, या फिर दूसरा हमने क्या आया CH2I2 और जिंक कॉपर कपल ले लिया। तो यहाँ पर रिएक्शन में क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जो है हमारा साइक्लो यहाँ पे प्रोपेन रिंग का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा बोथ केसेस में। तो ये एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया जिसमें हमारा प्रोडक्ट का जो है फॉर्मेशन हो रहा था। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रिपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं वो हमारा है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो हमारा नेक्स्ट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहां पे देखो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो है हमने एक स्टार्टिंग मटेरियल लिया, उसमें क्या लिया, ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन हमने लिया है, एग्जांपल के लिए कोई भी साइक्लो अल्केन ले रहे हैं हम। इसे सबसे पहले हम क्या करते हैं एमजी और ड्राई ईथर के साथ में जो है हमने रिएक्शन कर दिया। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, जो कार्बन ब्रोमिन के बीच में जो है मैग्नीशियम जो होता है वो इंसर्ट कर जाता है, इंसर्शन रिएक्शन देता है। तो यहां पे क्या होता है, यहां ब्रोमिन के बीच में जो है ये एमजी बीआर जो है आपस में बॉन्ड बना लेगा।
अब जैसे ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, आपको ये सिंपली R MgX के जैसा जो है आपको नजर आ रहा है, जिसमें जो है R के ऊपर में नेगेटिव और Mg के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो R के ऊपर में यहाँ पे जो ग्रुप है यहाँ पे नेगेटिव कहीं ना कहीं होगा और Mg के ऊपर में जो है आपका कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा। ये आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। क्या है? ये आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ही आप इसे नेक्स्ट स्टेप में वाटर दे दोगे, वाटर, तो वाटर से क्या करेगा, ये HOH ये नेगेटिव साइन जो है ये H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। बिकॉज आप यहाँ पे याद रखना, जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है उसका दो मेजर काम होते हैं। वो क्या होते हैं? पहला, वो एक्ट एज ए बेस की तरह पहले एक्ट करता है, दूसरी बार एक्ट करता है वो आपका एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। दो पॉइंट को याद रखना। तो जैसे ही आपका बेस की तरह एक्ट करेगा तो सबसे पहले ये आपका H2O से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद में जो है यहाँ पे हाइड्रोजन दे देगा और आपका जो है यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट से जो है हमने साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन कर दिया। अब जो है हम अपने नेक्स्ट यहाँ पे प्रिपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। वो प्रिपरेशन हमारा है फ्रॉम डाइकमैन मेथड। ये जो है थोड़ा लंबा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। डाइकमैन रिएक्शन, देखो डाइकमैन रिएक्शन में बहुत सारे स्टेप होते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ DIECKMANN डाइकमैन मेथड्स, ठीक है, मेथड। देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहला जो है डाइकमैन कंडेंसेशन होगा। पहले क्या होगा, डाइकमैन जो यहां पे है कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा। अब देखो डाइकमैन कंडेंसेशन होता क्या है, यहां पे बेसिकली क्या होता है कि जब आप यहां पे डाई इथाइल मतलब एस्टर मतलब ऐसा ग्रुप लेते हैं जिसमें दो एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने ले लिया एग्जांपल CH2, देन हमने यहां पे ले लिया CH2, देन हमने यहां पे ले लिया CH2, ये C double bond O OET और C double bond O OET हमने ले लिया। इसमें होता क्या है कि जैसे ही आप इसे एक बेस दे दोगे, क्या बेस देते हैं, C2H5 ONA आपने दे दिया, ठीक है। होगा क्या, यहाँ पे ये पहला जो आपका क्या है C2H5O-Na ये आपका बेस के जैसे एक्ट करेगा और इसमें जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे जो है आपका एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा जिसे ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये CH2 देन हमारा CH2 देन CH पे जो है यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज चलाएगा, बिकॉज इस हाइड्रोजन को इस बेस ने जो है एब्स्ट्रैक्ट कर लिया होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा फिर से हमने ग्रुप लिख दिया देन C double bond O OET। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जो है अटैक करेगा। तो ये सिंपली यहाँ पे अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा ये अपर जाएगा वापस आएगा, देन ये OET ग्रुप जो है लीव कर जाएगा। अब जैसे लीव करेगा तो क्या फॉर्म होगा, CH2 देन हमारा CH2 देन हमारा CH2 और यहाँ पे कार्बन में क्या है, एक डबल बॉन्ड O है, ठीक है। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमारा क्या है, इस कार्बन के साथ में यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये कार्बन यहाँ से कनेक्टेड हो गया, देखो ये कार्बन यहाँ से कनेक्ट हो गया और इस ग्रुप के साथ में एक हमारा ये ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमारा यहाँ पे सिंपली लिख दिया C double bond O OET। फर्स्ट स्टेप जो यहाँ पे ये हुआ, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन को याद रखना, इसको डाइकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसका जो है हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे, हमने दे दिया इसे H3O पॉजिटिव दे दिया। अब जैसे H3O पॉजिटिव देंगे ये एस्टर ग्रुप जो है आपका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो ये हमारा CH2 देन हमारा C double bond O देन हमारा CH और ये जो हमारा एस्टर ग्रुप था ये एसिड में बदल जाएगा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस होने से एस्टर ग्रुप जो है एसिड में बदल जाता है। अब जैसे ही एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसका हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन। बेसिकली होता क्या है, उससे जो है हम जैसे डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो उस केस में हमारा ये COOH ग्रुप जो है यहां से हट जाएगा, डायरेक्टली हट जाएगा। तो हमारा जो है CH2 देन हमारा यहां पर नॉर्मली हीट दे देंगे तो भी ये ग्रुप हट जाएगा, यहाँ पे CH यहाँ पे 2 हो जाएगा, देन हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारा साइक्लोपेंटेनोन का जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। तो अभी तक जो है हमने यहाँ पे साइक्लोपेंटेनोन का जो है फॉर्मेशन कर लिया है।
अब साइक्लोपेंटेनोन से जो है हमें फिर से जो है साइक्लोपेंटेन बनाना है। तो कैसे बनाओगे, अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ पे कैल्सियम सोल्ट का जो है रिडक्शन कराया था, जिसे हमने कहा था क्ले मेंसन रिडक्शन, क्ले मेंसन रिडक्शन का हमने नाम दिया था। उसमें हमने लिया था ZnHg इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ पे रिएक्शन में हुआ क्या था कि ये जो हमारा ग्रुप था, हमारा 5 मेंबर रिंग में जो है कन्वर्ट हो गया था। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारा जो है साइक्लो यहाँ पे जो है पेंटेन का जो है फॉर्मेशन हो गया था। तो ये बेसिकली कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे जो बेसिकली आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। नॉर्मल से रिएक्शंस थे, आपको बस एक बार देखना है, समझना है आपको रिएक्शंस के बारे में आने चाहिए कि कौन सा जो है ग्रुप क्या एक्ट करता है, किस तरीके से एक्ट करता है। तो उम्मीद है आपको ये नॉर्मल सी रिएक्शन जो है आपको इजी तरीके से समझ आए होगी। किसी में डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स।